हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज सोया सीख कबाब, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें। सोया सीख कबाब बनाने के लिए चाहिए 3/4 कप सोया ग्रेनुअल्स, 3/4 कप उबले हुए हरे मटर, 2 मीडियम साइज के उबले आलू, कुछ कटी हुई बारीक धनिया पत्ती, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, कुछ कटी हुई हरी मिर्च, 3/4 ब्रेड क्रम्स, 1/2 चम्मच घिसे हुए अदरक और स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल। आलू को हम मैश कर लेंगे। अब हम सोया ग्रेन्यूल्स को थोड़े गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए डालकर छोड़ देंगे। ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे। इसे इस तरह छाने कि सारी पानी निकल जाए। अब हम ब्रेड्स के साइड वाले हिस्से निकाल कर अलग कर लेंगे। अब हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। अब हम बाउल में सोया ग्रेन्यूल्स, मैश किए हुए आलू, उबले हुए मटर और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम सीख कबाब बनाएंगे। इसके लिए हम अपने मिक्सर का एक पोर्शन लेंगे और उसे अपने हाथों में रोल कर लेंगे। उसके बाद सीख को कबाब में लगा देंगे और इस तरह से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। इसकी ऊपरी पार्ट्स को हम थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम फ्राइंग पैन में थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और उसमें कबाब को धीमी आंच में घुमा घुमा कर सेक लेंगे, तब तक जब तक कि कबाब अच्छी तरह से पक ना जाए। अब हमारे कबाब तैयार हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे।
सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।